हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको अपने टेक्निकल ब्रदर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास भी टेक्नो का KB2 या AIS2 या कोई भी अगर मॉडल है इससे रिलेटेड टेक्नो का, तो आप इसका अगर लॉक स्क्रीन भूल गए हैं, देख सकते हैं मेरा ये लॉक स्क्रीन है और हमें पता नहीं कि क्या मैं डाला था, तो इसे हार्ड रिसेट करके आप कैसे आप इसे ओपन कर सकते हैं, अपना जान सकते हैं लॉक स्क्रीन क्या था। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अपने फ़ोन को यहाँ पर पावर बटन की सहायता से आपको स्विच ऑफ कर लेना है। तो चलिए मैं इसको स्विच ऑफ करता हूँ यहाँ पे नीचे डाउन करके। फ़ोन जब आपका स्विच ऑफ हो जाएगा, फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड पावर बटन, इन तीनों को काम करना है। तो क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको वॉल्यूम अप दबाना है और पावर बटन एक साथ दबाना है जब तक कि आपका लोगो ना दिखे। तो चलिए वॉल्यूम अप एंड पावर बटन दबाता हूँ और यहाँ पर वेट करता हूँ टेक्नो के लोगो को आने का। उसके बाद क्या करना है, दबाए रहना है यहाँ पर, देख सकते हैं, जब तक कि ये आपका नो कमांड वाला ऑप्शन ना आए, उसके बाद हटा लेना है हाथ। उसके बाद क्या करना है, नो कमांड ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, आपको पावर बटन दबाए रखना है, फिर आपको वॉल्यूम बटन दबाना है। तो चलिए पावर बटन दबाता हूँ, फिर वॉल्यूम अप बटन दबाऊंगा, तो ये आपका रिकवरी मोड खुल जाएगा। तो रिकवरी मोड में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये वॉल्यूम डाउन की मदद से आपको विफ डेटा फैक्ट्री रिसेट पे आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पावर बटन दबाना है, उसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम डाउन से यस पे सेलेक्ट करके आपको ये पावर बटन दबा के ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये फ़ोन जो है ये रिसेट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ देर समय लेगा, रिसेट हो गया। उसके बाद क्या करना है, रिबूट सिस्टम नाउ दिखाई दे रहा है, इस पर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे पावर बटन दबा देंगे तो आपका ये फ़ोन रिबूट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ देर समय लेगा, तो चलिए वेट कर लेते हैं समय का। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये जो फ़ोन है यह रिबूट हो रहा है, यानी कि रीस्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा समय ले सकता है, 2 से 4 मिनट तक। उसके बाद वेट करना है। चलिए मैं इसको खुलने देता हूँ, फिर आपको आगे का बताता हूँ। तो साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये फ़ोन रीस्टार्ट हो गया। उसके बाद ये देख सकते हैं FRP बाईपास होगा, यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे मांगेगा, ये देख सकते हैं। ईमेल आईडी पासवर्ड, जब तक यहाँ लॉक है तब तक ये खुलेगा नहीं, तो ये खोल नहीं पा रहे हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा कि जीमेल का आप FRP बाईपास कैसे करेंगे, तो वो देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, रिसेट करना जान गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।